नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। आपने आज सुबह के समय जो है एक स्टोरी टीएलआर लाइव पर जो है वो देखी होगी, जिसमें एक शख्स जो है वो क्लेम कर रहे थे कि उनकी रेड़ी जो है वो रातों रात चोरी कर दी गई। उन्हें शक भी था कि म्यूनसिपलिटी ने शायद उठाई होगी, या क्या पता कोई ऐसे शख्स सोसाइटी में भी हैं जो रेड़ी समेत जो है गायब कर देते हैं। और वैसे ही जो है इनकी चोरी यहाँ पर हुई। जब सुबह इन्होंने हमारे साथ बातचीत की तो हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, और वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि हम ज़रूर म्यूनसिपलिटी से भी जो है वो पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रेड़ी यहाँ से रातों रात गायब हुई है वो आपने उठाई है या कोई और जो है इसमें अपना हाथ साफ कर गया है। तो इस समय मैं म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो बातचीत करेंगे। ईओ साहब जो है वो किसी काम में मसरूफ है, क्योंकि कल जो है यहाँ पर एलजी के एडवाइज़र जो है वो दौरे पर आ रहे हैं, उस काम में वो व्यस्त हैं। तो हमारे साथ में म्यूनसिपलिटी के ऑफिशियल जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ज़रा हमें समझाएं कि वो क्या मसला था, क्या चीज़ें हुई थी उसमें। सबसे पहले आपके चैनल का और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपने हमसे पूछा कि क्या मसला था। मसला ये था कि ये जो एक हमारा ही भाई मानो है, भाई है ये भी, इसने एक इनलीगल तौर पे एक रेड़ी लगाई हुई थी। इस पे इसके पास ना कोई परमिशन थी, ना कोई इसके पास कोई कुछ भी नहीं था इसके पास। इसने रेड़ी अपनी मर्ज़ी से बनवाई और ख़ुद ही अपने मर्ज़ी से एक फुटपाथ पे, जहाँ पर कि पीएचई डिपार्टमेंट का ऑफिस जो था, जहाँ पर एक्सियन साहब बैठते हैं, एडब्ल्यू साहब बैठते हैं, उनके गेट के बिल्कुल कॉर्नर पे लगाया था, बिल्कुल साथ लगाया था। तो हमने इसको, हमारे ईओ साहब भी, हम भी बार बार इसके पास दो तीन बार गए, जिसकी हमारे पास फुटेज भी है। इससे रिक्वेस्ट की, भैया यहाँ पे नहीं, आपको अगर काम करना है हम आपको जगह देंगे, आपको एडजस्ट करेंगे, आप काम करना चाहते हो करो। तो लेकिन ये बदकिस्मती से मानता नहीं था। आपके पास हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे उस चीज़ की। बहरहाल फिर हमें हायर अथॉरिटी की और एक्शन साहब ने भी शायद डी साहब से अप्रोच की कि यहाँ ऐसे ऐसे मसला है। तो फिर हमें रात को मजबूरन वो रेड़ी, इनकी रेड़ी जो थी उस पर माल जो था, जो भी माल था, हमने बड़े सेफ तरीके से उसको सीज़ किया है और अपने पास यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके अलावा एक बात, इन्होंने ये भी क्लेम किया था उस शख्स ने कि उसने कहा था कि लगभग 20,000 रुपया जो है म्यूनसिपलिटी मुझे मांग रही है, कि अगर 20,000 में देता हूँ फिर यहाँ पे रेड़ी लगा पाऊँगा, नहीं तो ये रेड़ी यहाँ पर नहीं लगा सकता। देखिए, हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए। हमने जो बात आप तक रखी कि जो हमने रिक्वेस्ट इसको एक बार, दो बार, तीन बार की, उसका हमारे पास एविडेंस है, वो हम आपको शेयर करेंगे। अगर उसके पास कोई एविडेंस है कि हमने उससे 20,000 रुपये मांगे हैं, वो प्रूव करे, वो दिखाए, आपको ही दिखाए जी, तो हम जुर्मदार हैं अगर हमने मांगे हैं। अगर उसके पास कोई एविडेंस है उस चीज़ का कि हमने उससे 20,000 मांगे हैं, तो हम जुर्मदार हैं। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि रेड़ी जो है आप इन्हें उठाई थी। हाँ बिल्कुल, दिन की जगह रात में? नहीं देखो, दिन में काफ़ी भीड़ होती है, ट्रैफिक होती है, तो इसलिए हम फिर नाइट में भी काम करते हैं जी। हाँ, हमने नाइट में ताकि ट्रैफिक नहीं होती है, शोर शराबा नहीं होता है लोगों को। असल में वो रेड़ी जो लगी थी इसकी, वो फुटपाथ पे लगी थी जी। बेसिकली वहाँ पर आम लोगों को चलने के लिए वो फुटपाथ है जी, तो हर इंसान जो भी चलता है रास्ते, चाहे लेडीज़ है, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे स्कूल बच्चा है, उनको दिक्कत होती थी चलने में। और इसकी जो इसने रेड़ी बनाई थी उसका साइज़ भी ओवर साइज़ था, वो तकरीबन 10 फुट थी क्या जी। हमने इसको बार बार रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से रेड़ी निकालो, हम आपको दूसरी जगह ले जाएंगे, दूसरी जगह आपको एडजस्ट करेंगे। हमने एक दो जगह इसको दिखाई भी, हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास फुटेज है, आप वो फुटेज चेक करो, आप उसको देख लो कि हमने क्या बोला है इसको। आखिर में बाकी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स इस समय डोडा में जो है अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि देखो, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक में खलल नहीं होना चाहिए। बाकी काम कर रहे हैं, काम तो करना है, उन्होंने भी अपना पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है, काम कर रहे हैं। हमने स्ट्रीट वेंडर को लोन्स दिए हैं जी, जो आजकल स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमने इनको लोन्स दिए हैं, ये काम कर रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं। हर चीज़ का जाब्ता होता है,
जाब्ते के साथ ही हर चीज़ बनती है, बगैर जाब्ते के तो कोई काम बनता नहीं है। बहरहाल आगे की क्या हमें हायर अथॉरिटी से हमें क्या डायरेक्शन होगी आगे के लिए, उसी डायरेक्शन पे हम चलेंगे। एक शख्स थे जिन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया था, वो आपके सामने खड़े हैं, आप उनसे भी बात कीजिए। जी ये है आशीष जी। चलिए सर, आप पे इल्ज़ाम लगा था कि आपने जो है जानबूझकर कोई ज़िद जो है वो वहाँ पर निकाली हो, इसलिए रातों रात जो है वो रेडियो आपने गायब करवा दी, क्या कहेंगे? देखिए सर, एक तो ये कहीं दूर रहते हैं तो मैं इधर सिटी में ही रहता हूँ, अब ज़िद किस बात की होगी जी। अब जैसे हमें डिपार्टमेंट डायरेक्शन देता है उस हिसाब से हमने काम ग्राउंड में करना है। फिर भी अगर इसके पास कोई सबूत है तो जिम्मेदार सामने। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, और क्या कह सकते हैं। चलिए, ये आपने तमाम लोगों ने जो है वो बातचीत सुनी, और इससे पहले जो है ईओ साहब के पास भी हम गए, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ईओ साहब की तरफ से साफ तौर पर ये कहना था कि हम किसी को तंग नहीं करते, लेकिन अगर पब्लिक में जो है कोई भी चीज़ खलल करती है तो हमें उसे जो है मजबूरन हटाना पड़ता है। आप तमाम लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। राजकुमार को इजाज़त, बने रहें TLR के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।